आपका स्वागत है दीक्षा से डिसेंटर चैनल पर। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और ये बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। ये फोर्थ एंड फाइनल सीरीज़ है 100 क्वेश्चंस का। तो ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स का आईबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने अपलोड कर दिया है। दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट सीरीज़, तो 100 है आपका करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेंगे तो एक्सपेक्टेड है, इसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पंजाब रॉयल्स ने इस बार क्या है, प्रो रेसलिंग लीग जीता है 2017 का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है हुआ है तो बहुत ही चांस आ सकता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने 1376 करोड़ त्रिपुरा पावर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया है। तो आपको पूछ सकता है कितना पैसा है, तो दैट इज़ 1376, ठीक है। कहाँ, किसके लिए, त्रिपुरा पावर के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहा, ये जो प्रिंस अबूधाबी के हैं एंड डिप्यूटी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूएई के हैं, ये चीफ गेस्ट थे इस बार 27 रिपब्लिक डे के लिए, ठीक है। बेंगलुरु हैज़ बिकम द मोस्ट डायनेमिक सिटी आउट ऑफ 137 सिटीज एज पर द फोर्थ एनुअल एडिशन ऑफ JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2017, तो बेंगलुरु बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बुक स्टोरी ऑफ एन स्केप, ये ऑथर कौन है, सुरजीत सिंह वर्नाला, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जिनका अभी कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया। नेक्स्ट देखिए, एडामा बारो, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, हैज़ बीन सोन इन एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया, ठीक है, क्योंकि आईबी है, इंटरनेशनल चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मायने है दोस्तों। अच्छा, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूड एंड माउथ डिजीज कहाँ पर बना है, ये उड़ीसा में बना है। सुनैना सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एन चंद्रबाबू नायडू हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द USIBC ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड, क्योंकि ये तेलंगाना और जब आंध्र प्रदेश बना तो उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया, तो उसीलिए इनको ये अवार्ड मिल रहा है दोस्तों। अच्छा, वनजा सरना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC का। म्यांमार हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन सैक प्रोग्राम, कौन बना है, म्यांमार, पूछ सकता है। हैदराबाद हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ऑफर 1 Gbps वैड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, हैदराबाद है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉन्टेनेग्रो इज बिकम द 29th मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जब वो US सीनेट ने रेटिफाई कर दिया था नाटो को, उसके बाद उनको एडमिशन मिल गया, मेंबर बन चुके। बॉब डेलन हु रिसीव द 2016 नोबेल लिटरेचर प्राइज, कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, कौन किसको मिला है या कहाँ के हैं, ये पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लें, पेटीएम हैज़ बिकम द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू टेक मेंबरशिप ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2017, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ से पूछ सकता है, आईबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल अंबानी द चेयरमैन ऑफ रिलायंस ग्रुप हैज़ बीन इंडक्टेड इन द इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्लोबल थिंक टैंक, किसका, अटलांटिक काउंसिल का। नेक्स्ट देखते हैं, पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च अ यूनिक क्रेडिट कार्ड, क्या नाम है, SBI उन्नति इन न्यू दिल्ली टू स्प्रेड क्रेडिट इंक्लूशन, ठीक है। द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, ये न्यू दिल्ली, ये आई होगा दोस्तों न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द तमिलनाडु क्रिकेट टीम हैज़ वोन द 2017 देओधर ट्रॉफी, किसको हरा के, इंडिया बी टीम को 42 रन में, फाइनल कहाँ पे हुआ था, वाइजैग आंध्र प्रदेश में हुआ था। थर्ड G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुआ, वाराणसी में हुआ है। इन इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ, किसके साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मैड्रास के साथ, टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल एरियाज, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एरियाज होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा महाजन द लोकसभा स्पीकर विल लीड इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, 136 असेंबली इन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU 2017, कहाँ पे हो रहा है, ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन नेवी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम IAMS एट रजौली एयर स्टेशन तमिलनाडु में, इंडियन नेवी ने किया है। और इंडिया फॉरवर्ड SB सुनील हैज़ नेम्ड एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 इन द सीनियर मेन्स कैटेगरी बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा, डॉक्टर रायप्पा रामप्पा हंचिनाल, इनको क्या मिला है, 6th एडिशन
सिक्स एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस एम ए स्वामीनाथन अवार्ड मिला है इनको। कौन से फील्ड में? एग्रीकल्चर फील्ड में। किसका कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन किए? सस्टेन सपोर्ट टू द एरियाज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट फॉर हॉट एंड वेरी हॉट ड्राई इन्वायरमेंट्स, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स इन प्लांट वेराइटीज। कैश प्राइस जो है 2 लाख रुपया है दोस्तों, ठीक है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चंस थे, ये 25 और इससे पहले 3 वीडियो है, तो हंड्रेड जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा हो, कल अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।